2 महीने में बंदा कोई अगर 1000 रैंक के अंदर आ रहा है, सिर्फ 2 महीने प्रिपरेशन, कैसे है कि नहीं? थोड़ा बिल्कुल सोचने वाली बात है, क्या क्या फैक्टर मैटर करते हैं। मैं बहुत बंदे देखा हूँ जो सिर्फ रिविजन करते हैं, एमसीक्यू नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं होगा, फेल हो जाओगे। एफएमजी मुझे 8 लगा पीजी, नीट पीजी के पेपर से। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, माय सेल्फ रंजीत चौहान, दिस इज गोइंग टू आवर फर्स्ट इंटरव्यू वीडियो ऑन आवर चैनल एफएमजी टॉक्स। तो हमारे फर्स्ट स्पेशल गेस्ट हैं हमारी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर अनिकेत रंजन सर। सो हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो सर, हेलो एवरीवन, ठीक हूँ यार, बताओ। तो सर का पहले एक मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। तो सर ने अपनी एमबीबीएस की स्टडी हमारी कॉलेज ओ स्टेट यूनिवर्सिटी करी है और 2021 में इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एमसीआई निकाला। सर उस टाइम आपकी मार्क्स क्या थी? 239, हाँ 239 थी। 239 मार्क्स थी और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इंटर्नशिप के जस्ट बाद सर ने अपना नीट पीजी निकाला 2023 में। उस टाइम पे आपकी रैंक क्या थी सर? ऑल इंडिया 884 थी, 884। 884 थी आपकी रैंक नीट पीजी में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। हाँ, नहीं थी तो फर्स्ट सबसे टाइम। पहले बहुत कांग्रेचुलेशन सर, ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है एफएमजी के लाइफ में। कोई नहीं यार, थैंक यू। ओके तो सर हमारा मेन मोटू होने वाला इंटरव्यू का ये कि जितने भी एफएमजी स्टूडेंट्स हैं या फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट जो एमसीआई देने वाले हैं उनको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल पाए कि उनको आगे जाके क्या करना है, अपनी स्टडीज और अपने लाइफ को कैसे मैनेज करते हुए हर एक चीज को स्टेबल रखना है। तो सर मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं और वो बिल्कुल क्वेश्चंस ऐसे हैं कि वो जूनियर्स और सीनियर्स दोनों को मिला के मैंने उनसे पूछ के उनसे डिस्कस करके और वो क्वेश्चंस तैयार किए हैं ताकि बहुत से ज्यादा एफएमजीस को बेनिफिट मिल पाए। तो सर सबसे पहले आपने कौन सा सब्सक्रिप्शन लिया था? यार, ठीक है। तो 2019 के अराउंड है, तो उस टाइम पे हम, मतलब उससे पहले तो हम बुक्स पढ़ते थे, ठीक है। तो उस टाइम पे अच्छा उससे पहले हमें कुछ नहीं पता था। तो उससे ओ पहले यार, या तो नजीब के वीडियोस होते थे हमारे पास, या फिर बुक्स ओ होते थे जो कि ट्रेडिशनल जो आप यूज करते हो बुक्स। तो यस 2019 में मैंने देखा कि प्रेपलैडर की जो मतलब हम जानते थे यार, गोविंद रायगर के नाम मतलब फार्मा में बहुत सुना था। तो बिल्कुल उस वक्त मैंने इंडिविजुअल सब्जेक्ट लिए थे, गोविंद रायगर के फार्माकोलॉजी, स्वर्गुप्ता की पैथोलॉजी और दीपक कुमार वसर की मेडिसिन ली थी, ठीक है। तो उसके ओ बाद कुछ दिन बाद मैंने सोचा यार, रेपलेटर की सब्सक्रिप्शन ले ले, क्योंकि एमसीक्यू कर ले, ठीक है। तो 2019 के अराउंड है ये, मैंने रेपलेटर की सब्सक्रिप्शन ली थी, ठीक है। तो उससे पहले मैंने बुक्स पढ़ी थी, उसके बाद मैंने, हाँ ठीक है, प्रेपलेटर। तो यार हाँ, तो 1 साल लगे थे मुझे सारे सब्जेक्ट मतलब अच्छे से ढंग से ग्रास्प करने के लिए, प्रेपलैटर से 1 साल पूरा पूरा लग गया था। तो 2019 के अराउंड तो मैं फोर्थ ईयर जस्ट कंप्लीट किया था, फिफ्थ ईयर में था, ठीक है। आपको पता है 2020 में कोरोना भी आ गया था, है कि नहीं, कोविड आ यस गया सर था। हाँ, 19 और 20 के बीच में मैंने सारे हाँ सब्जेक्ट क्लियर भी किए थे, और 20 तो हम वापस जाना भी था हमें, क्योंकि जाके हम डिग्री ला सकते थे, ऐसा सिचुएशन हो गया था, तो हमें वापस आना पड़ा। तो उस बीच थोड़ा सा गैप हो गया था, पढ़ नहीं पाए थे। हाँ, फिर उसके बाद आके जो मैंने पढ़ा था यार, वही पढ़ा, और एमसीक्यू किए मैंने बहुत। तो यार जो है जेन्यून है यार, वही बताया मैंने। यस 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 हार्ड वर्क स्पेस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आप मिनिमम स्टडी कितने आवर्स करते थे डेली, एक एवरेज मान लिया जाए तो? यार देखो, सब कुछ हमें बैलेंस करके चलना चाहिए। वैसे वो उसका तुम्हें पता है, बहुत नींद आती है वो उसमें, तो ठीक है। पर्टिकुलरली बिल्कुल मैं एवरेज बिल्कुल 20 की बात करता हूँ। नींद तो यार उठते वक्त ही आती है, इतना ठंड रहता है, मौसम भी बहुत अच्छा रहता है। तो सब कुछ बैलेंस करके चलो, तो यार मुझे दिन में कम से कम 6 घंटे देने होते थे, ठीक है। तो 6 घंटे मुझे कैसे भी करके निकालने। तो कुछ कोई कोई बच्चे क्या करते दिन हैं, में रात को आपको छह पढ़ते हैं, घंटे ठीक में है। हाँ, 6 घंटे, 24 आवर में मुझे 6 घंटे देने, कैसे भी करके, ऐसे मेरे को माइंड सेट हो गया कि हाँ मुझे 6 घंटे देने, उसके बाद मैं जो भी करूँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक। 6 घंटे कैसे देने? या तो मैं सुबह 3 बजे, 3:30 बजे उठता था एक्चुअली, ठीक है। सुबह 3:30 बजे उठ जाता था,
3:30 बजे से सुबह 8 बजे तक मेरी एक हो जाती थी राउंड, फिर कॉलेज जाता था। ठीक है, कॉलेज में अगर फ्री मिल गया, अगर मिल गया तो मैं लाइब्रेरी जाता था, अगर नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया सुबह के 4 घंटे हो गए। ठीक है, सुबह के 4 घंटे, अराउंड 4 घंटे हो जाते थे, और रात को मैं सोने से पहले 2 घंटा कर लेता। और बीच में यार सब बिल्कुल कुछ काम होते थे उसमें, यार खाली आप नहीं बैठ सकते ना, बहुत सारे काम होते हैं, है कि नहीं? और सर कभी ऐसा हुआ कि पढ़ते पढ़ते आप एकदम एग्जॉस्ट हो गए और आपको मन किया माइंड थोड़ा फ्रेश करने के लिए, तो आप क्या करते थे? जैसे माइंड फ्रेश तो करना पड़ता है एमबीबीएस में, इतनी लॉन्ग स्टडीज है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एग्जॉस्ट होने पे हम तो यार बहुत, मेरे तो बहुत दोस्त हैं वगैरह, उनसे गप्पे लड़ाते थे हम, बहुत मस्ती मजाक करते थे। ठीक है, ताश वगैरह बहुत खेलते थे हम, तो बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है वो भी हमने मतलब करते थे यार एग्जॉस्ट होने के बाद। तो यार खाली फीली सिर्फ तुम सिर्फ पढ़ नहीं सकते ना, बहुत कुछ काम करना बिल्कुल पड़ता है। हाँ, अपने आप को ये करना, इन्वॉल्व करना पड़ता है हर चीज में। तो सर आपने मेन तैयारी कब से चालू की, जब आपको लगा कि अब एमसीआई के लिए ही बस प्रिपेयर करना है, बाकी सब छोड़ो अब बस एमसीआई करना है, तो आपने कौन सी ईयर से चालू करा? तो एमसीआई की तैयारी करना मैंने शुरू की, देखिए फर्स्ट ईयर में तो यार हमने भी नहीं पढ़ा कुछ। ठीक है, ऐसे ही चला गया फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर ठीक है, बिल्कुल तो कुछ तो फर्स्ट ईयर से जब हम घर गए थे तो मेरे पापा मम्मी मुझे बोला कि यार तू पढ़ नहीं रहा है वगैरह वगैरह, बहुत डांट लगाई हमें। ठीक है, तो बुक्स खरीद के दिए कि पढ़ाई करना जाके। तो हाँ, सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग से ही मैंने, हाँ चलो पढ़ना थोड़ा बहुत शुरू कर लिया। 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए दिन में, ऐसे ऐसे पढ़ने लग गया था। मतलब मिनिमम एक कभी कभार आपने 6 आवर का एवरेज रखा था पर डे का। एवरेज एवरेज एवरेज। और सर आपने फर्स्ट अपना सिलेबस कब खत्म किया था, जब आपको लगा कि आपके मेजर मेजर सब्जेक्ट्स हो गए क्लियर, कौन से ईयर तक? या ये बात तो मुझे देखो थोड़ा सा क्लियर कर लूं, तो बुक्स बुक्स के बारे में चलो, तो यार मैं 4th ईयर तक चलो लगभग सब बड़े बड़े सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया था, लेकिन मुझे खुद नहीं लग रहा था कि कंप्लीट हो गए हैं करके। ठीक है, तो अच्छे से रिवाइज नहीं हो पाए थे, तो थोड़ा बहुत लगता है यार कुछ कहीं रह गया है, चाहे मैं छूट गया होगा। ठीक है, तो यार हाँ 4th ईयर 5th ईयर की एंडिंग में, हाँ चलो हो गया था मेरा सब कुछ। 5th ईयर की एंडिंग में आपने सारे सब्जेक्ट कर लिए थे, सारे सब्जेक्ट हो गए थे। और काफी सीनियर्स अब एग्जाम देने वाले एमसीआई, तो उनका एक हाँ क्वेश्चन था कि कौन से मेजर सब्जेक्ट फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना चाहिए, कौन सा मेजर सब्जेक्ट एकदम कंपलसरी है कि उसको करना ही करना है, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी FMG के चाहिए लिए उसमें, या फिर NEET PG के लिए? FMG के लिए सर? FMG के लिए बड़े बड़े जो कि अभी इसी वक्त, मतलब अभी के जो NBE के क्वेश्चन देख के लगता है, ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है सर्जरी। ठीक है, सर्जरी को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, सर्जरी, ऑब्स गाइनी, ठीक है, PSM, ये तीन कम से कम 80 to 90 questions, मतलब 100 अराउंड ये तीनों सब्जेक्ट रखते हैं। ठीक है, तो FMG ये में तीनों तो बहुत, हाँ FMG। ठीक है, और मेडिसिन हो गया, मेडिसिन चलो मेडिसिन साथ साथ चलेगा, लेकिन इतना प्रायोरिटी नहीं दी जा रही अभी 2-3 साल में मैंने देखा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर्स में, मेडिसिन को नहीं हाँ दी जाती है 2-3 साल में? हाँ टेक्निकल क्वेश्चन ओके ज्यादा आ रहे हैं, मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, सर्जरी के बहुत ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आपको लॉजिक से नहीं सॉल्व कर सकते हो आप, आपको पढ़ा होना चाहिए तब जाके सॉल्व कर पाओ। ठीक है, मतलब मेमोरी टाइप ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं जो मेमोरी में होने हाँ चाहिए। मेमोरी का फैक्चुअल, मतलब आपने एक बार पढ़ लिया तो आपको याद हो गया चीज, और अगर नहीं पढ़ा तो कभी नहीं याद है, मतलब या तो वो क्वेश्चन छूटेगी आपसे या फिर आप करोगे, समझ रहे हो? कोई रिलेशन नहीं है उसका कोई और सब्जेक्ट से। हाँ, तो लॉजिकल क्वेश्चन जैसे हम देख लिया मेडिसिन में, पैथोलॉजी में, ठीक है, इसमें लॉजिकल क्वेश्चन चलते हैं। चलो आपको इस डिजीज के बारे में पता है कुछ, तो आप थोड़ा सा मतलब ये लगा के, थोड़ा सा ये लगा के आप रूल आउट कर सकते हो और आंसर तक पहुंच सकते हो लॉजिक लगा के। बिल्कुल बिल्कुल बट सर्जरी जैसे हो गया, और छोटे छोटे सब्जेक्ट में ENT ऑफ्था, ENT ऑफ्था बहुत ही ज्यादा, मतलब वैल्यू इतना ज्यादा बढ़ गया है FMG में, ENT पार्टिकुलर ENT, मतलब 30 to 40 ENT। क्वेश्चन, ये दोनों अराउंड ENT ऑफ्था मिला के 30 to 40 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये 5 सब्जेक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बोला सर्जरी, ऑब्स गायनी, PSM, ENT ऑफ्था। ठीक है, ये ऑफ द हाँ
ये क्लिनिकल में सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके सर, पारा, हाँ पारा क्लिनिकल में अगर आ जाओ तो आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रह जाता है माइक्रो में, थोड़ा बहुत, ठीक है, माइक्रो में रहता है। अनंत फिजियो तो यार सब करते हैं, फिजियो को इतना डी नहीं जाती है तो, लेकिन फिजियो के जो क्वेश्चन आते हैं, फिजियो के जो क्वेश्चन आते हैं वो आप अगर थोड़ा पढ़े हो तो फिजियो कंप्लीट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, फिजियो में किसी का गलत नहीं होता, ठीक है। अच्छा मतलब फिजियो एनाटॉमी एक रफली ओवर भी होना जरूरी है। हाँ मतलब ग्राउंड वर्क आप कर चुके हो एनाटॉमी फिजियो में तो आपका गलत नहीं होगा। बच्चे फंसते हैं किसमें पता है, वो सोचते हैं यार कि कौन क्या लें। अभी कंफ्यूजन क्या है बच्चों में कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए ना, बहुत बहुत सारे सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ चुके, ठीक है, तो कंफ्यूजन हो जाती है क्या चूज करें, है कि नहीं, कौन सा बढ़िया रहेगा। हाँ भैया ने ये चूज किया था हम भी ये लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। मैं कहता हूँ आपको सिंगल कोई प्लेटफॉर्म चूज कर ले, सारे बढ़िया है, सारे टीचर बढ़िया है, ठीक है। हमें नहीं पता था ना यार उस टाइम पे, मुझे सिर्फ यही मिला था तो मैंने यही लिया, ठीक है। आपकी सिचुएशन कुछ और होंगे, ठीक है, आपको शायद लगता होगा कि आप वीडियो से ज्यादा नहीं सीख रहे हो, आप नोट्स पढ़ के ज्यादा याद रख रहे हो, ठीक है। किसी किसी को लगता है मुझे ऑफलाइन करनी चाहिए और ऑफलाइन में ज्यादा याद रहती है उसे, ऑनलाइन में नहीं पढ़ पाता हूँ। खुद बैठ के पढ़ना एक बहुत मुश्किल सी बात है कि नहीं, आप अगर खुद बैठ के अपने आप को फोर्स करके स्टडी कर रहे हो तो वो भी बहुत बड़ा चैलेंज है एक बिल्कुल बिल्कुल, ले लो, है कि नहीं। तो यार डिसिप्लिन बहुत रहना सारे भी बच्चे, चैलेंज तो है। हाँ, तो खुद को मतलब ये होना चाहिए कि आपको खुद को पता होना चाहिए कि आप कहाँ से स्टडी अच्छा कर पा रहे हो, कि ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में एक ही सोर्स ढूंढो। चलो आपका दोस्त बोल दिया यार यार इस ये एनाटोमी अच्छा है, इस प्लेटफॉर्म में एनाटोमी अच्छा है तू ये ले ले, ठीक है, आपने ये खरीदी फिर उसके बाद वो खरीदोगे, बच्चे क्या करते सारे खरीद लेते हैं, ठीक है, और बिल्कुल जब एग्जाम के टाइम पे सारे के नोट्स हो जाते हैं तो रिविजन किससे करें, ये होते हैं। एक सोर्स होने चाहिए, उसको आप लाइफ तक मतलब लाइफ के एंड तक उसको ही फॉलो करोगे, ठीक, अपडेट्स आएंगे खुद ये करोगे, लेकिन कभी चेंज मत करना, ठीक। एमसीक्यू अभी वगैरह यार, एमसीक्यू आप बहुत सारी चीजें से कर सकते हो, एमसीक्यू का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार जो आप रिवाइज करते हो नोट्स सेम होना चाहिए, है कि नहीं। मेरे बिल्कुल 2019 के नोट्स अभी भी पड़े मेरे पास, क्यों वो रख रखा अच्छा हूँ, क्योंकि उसका विजुअल मेमोरी हो चुका है, लेकिन मैं उसको एक बार देखता हूँ तो मुझे याद आ जाता है, एग्जाम में भी मुझे विजुअल मेमोरी याद आ जाती है कि हाँ ये मैंने पढ़ी है 3-4 साल से, यार एक चीज मैं बार बार देख रहा हूँ, है कि नहीं। तो यार वो तो एक विजुअल मेमोरी बन गई ना, तो वो चेंज नहीं होगी, हमेशा एक सोर्स होना चाहिए, उसी को ही पकड़ के रखो, कभी चेंज मत करो, ठीक है। सब अच्छे हैं, कोई खराब नहीं है, ठीक है, यही बोलना चाहता हूँ मैं। और काफी जूनियर्स थे तो उनका ये मानना है कि हम बेस्ट बेस्ट टीचर से पढ़ेंगे, जैसे सारे टीचर्स यहाँ वहाँ स्कैटर हो गए, कोई प्रेप में, कोई मैरो में, कोई फिजिक्स वाला में चला गया, कोई सेरिबेलम में चला गया, तो फिर हम ये बिल्कुल सोचते बिल्कुल हैं कि हम एक एक टीचर से पढ़े पर्टिकुलरली, हर एक यहाँ से, हर एक प्लेटफॉर्म से, तो क्या सही है ऐसा ये? नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। वैसे देखो आप करोगे अच्छी बात है, लेकिन आप देखो आपको लगा कि हाँ मेरो का मुझे ये सब्जेक्ट अच्छा है, मेरो में, ठीक, प्रेप लेटर में ये सब्जेक्ट अच्छा है, तो ठीक है आपने ये बना लिया, ठीक है, कोई माइंड फिक्स कर लिया, ठीक, उसी के ही नोट्स पढ़ना, ठीक है, उसी के ही नोट्स पढ़ना। अगर फिर बोल दो कि नहीं ये मेरो में चेंज हो गया है, मैं अलग देख लेता हूँ फिर से, तो ये गलत है कि नहीं, थोड़ा सा आपको मेंटेन करना पड़ेगा कि एक ही चीज है। हाँ चलो कोई ना, उस टीचर को आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है, उसी के बिल्कुल नोट्स फॉलो कर रहे हो, तो उसको एंड तक फॉलो करना, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक तो है, कोई पर ये बीच में चेंज, पर्टिकुलर कोई बैरियर नहीं है कि एक ही पे रहना है, आप बेस्ट से पढ़ रहे हो तो एक टीचर बस पकड़ के रखना है, उसके अलावा हाँ कोई टीचर नहीं लेना है, बिल्कुल प्लेटफॉर्म चेंज भले ही नहीं अलग करना। हो जाए। मैंने खुद करके देखे हैं, मुझे बहुत खराब लगा और मैंने सफर ही किया यार, इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो कभी आपने एक कभार पर्टिकुलर फोमो, प्लेटर को पकड़ा, उसी पे रहे आप, बिल्कुल यहाँ वहां हाँ नहीं मुझे, गए, कोई आपको हाँ बेस्ट टीचर फोमो हो गया सजेशन था, मिला होगा कभी तो। कभार बच्चों को फोमो हो जाता है, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट की यार इसमें कम चीज दे रखे हैं, अगर कुछ और पूछ लिया तो। यार वो बंदा जो पढ़ाता है, ठीक है, वो 20 साल से पढ़ा रहा है, उसे पता है कि क्या क्या बच्चों को पढ़ाना है और यही चीज आते हैं, ठीक है, तो गलत नहीं है यार, सारे टीचर एक जैसे हैं, ठीक है, तो आपको चॉइस करना है कि कौन सा लेना है कि नहीं। तो भैया आपने नोट्स प्रिंट कराए थे कि आप हैंडमेड नोट्स बनाते थे? यार नोट्स लिखा था मैंने, आधे नोट्स तो तुम्हारे उसमें ही पढ़ा है शायद, मुझे लगता है लाइब्रेरी में पढ़ा होगा मेरे नोट्स बिल्कुल बिल्कुल, तो आप क्या जूनियर्स को क्या सजेशन देंगे कि नोट्स क्या करना चाहिए, प्रिंट आउट करा लें या फिर हैंड नोट
बनाए। यार मैं बोलूं कि अगर आप फर्स्ट सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर तक, अगर फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर में हो तो आप लिखो यार, ठीक है। लिख के पढ़ने से यार आपको एक साथ याद हो जाएगी चीजें और बहुत दिन तक याद रहेंगी, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक। अगर आप फिर से पढ़ोगे भी तो वो आपको ये मतलब करने में, रिवाइज करने में बहुत आसानी हो, ठीक है। और बिल्कुल मैं जो अभी फाइनल ईयर में कुछ किया नहीं है, ठीक है, उनके लिए कह रहा हूँ जो कुछ किया नहीं है, 6 महीने में एग्जाम है, कैसे दें उनको, यार मैं कहूंगा कि यार नोट्स ले लो, ठीक है, अभी कोई फायदा नहीं है उस पे टाइम वेस्ट करने का। अगर टाइम बिल्कुल है तो मेन नोट्स लो, अगर नहीं टाइम है तो रैपिड रिविजन लो। कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए, ठीक है, नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं होता है, होता है एमसीक्यू आपने कितना किया, ठीक है, एग्जाम क्लियर करने के लिए। मैं कह रहा हूँ एमसीक्यू को आपको ज्यादा वेटेज देनी होगी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो, ठीक है, और आपके पास टाइम है पढ़ने के लिए तो एमसीक्यू को भी दो और रिवीजन को भी दो, बिल्कुल, मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस देना है कि रिवीजन को, मल्टीपल टाइम रिवीजन और मल्टीपल टाइम। एमसीक्यू। अभी यार देखो, जैसे मैं अब तुम्हें बताऊं मेरी एग्जांपल, तो जनवरी 7 को शायद, हाँ, नीट पीजी का ये आया था कि करना है। उससे पहले मैंने बिल्कुल भी, मतलब एक एक साल हो गई थी, छूट गई थी मेरी पढ़ाई, ठीक है, मैंने कहा यार कर लेते हैं, क्यों अपॉर्चुनिटी छोड़ेंगे, है कि नहीं, कौन छोड़ता है बिल्कुल यार अपॉर्चुनिटी, देख लेते हैं यार 2 महीने में जितना होगा देख लेंगे। तो स्टार्टिंग से यार बहुत कुछ भूल गया था मैंने क्या किया, जो मेरे नोट्स पड़े थे, ठीक है, उसी को ही रिवाइज किया मैंने, और स्टार्टिंग से ही सुबह उठते ही मैंने 200 क्वेश्चन किए, ठीक है, गलत हुए, जो गलत थे उसको लिखा मैंने, प्रैक्टिस किया फिर से, ठीक है। तो आपको एमसीक्यू की आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है, वो जो 3 घंटा या फिर 5 घंटा आप पेपर दोगे ना, एफएमजी में ढाई ढाई घंटा, 5 घंटा हो गया, और नीट पीजी में 3.5 घंटा, ठीक है, वो उसकी आदत होनी चाहिए कि आप टेबल में बैठ के एग्जाम दे पा रहे हैं, है कि नहीं, उसकी भी आदत होनी चाहिए। दूसरा चीज, आपको पढ़ के समझ के आंसर देना पड़ेगा, बहुत सारे फैक्टर्स करते हैं यार एमसीक्यू के दिन, एमसीक्यू सॉल्व करना इतना आसान नहीं होता, ठीक है, तो उसको आदत में डालना होता है, डेली डेली प्रैक्टिस कर, है नहीं, आप सिर्फ अच्छा रिवाइज करके जाओगे एग्जाम पास नहीं हो पाओगे। मैं बहुत बंदे देखा हूँ जो सिर्फ रिविजन करते हैं, एमसीक्यू नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं होगा, फेल हो जाओगे आप, ठीक है। एमसीक्यू इज द की क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको यार देखो, कोई भी जंग होने से पहले सिपाही को तैयार की जाती है, ठीक है, उसको थियोरिटिकल इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि हाँ ऐसा टारगेट होगा, ऐसा गोल, ऐसे शूट करना है, ठीक है, लेकिन यार आपको जब तक सिखाया नहीं गया है कि कैसे बंदूक चलाओगे, लेकिन तब तक आप फायर ही नहीं कर पाओ, समझ गए, चाहे कितना भी पढ़ लो आप, अप्लाई अगर नहीं पता है आपको कैसा करना है, नहीं कर पाओगे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब फर्स्ट प्रिफरेंस आपने जो एमसीआई दिया उसकी पीजी की तैयारी आपने पूरा वही नोट से करी कि एडिशनल भी आपने उसी पढ़ा? उसी उसी नोट से, उसी नोट से मैंने कुछ चेंज नहीं किया, कुछ भी नहीं चेंज किया, मैंने फिर से लिखे हैं, ठीक है, नोट्स में ना, मेरे नोट्स जो पड़े थे, मेरे को जो चीज याद नहीं रहते थे, मैंने एक और बिल्कुल नोट्स बनाया उसको लिखा मैंने, ठीक है, लिख, मैं इसलिए क्यों बोलता हूँ कि लिखने से बहुत ज्यादा तक देर तक याद रहती है यार, टेंशन। बताओ, हमेशा बोलता हूँ एमसीक्यू इज अ बेटर, एमसीक्यू आपको डेली करना है, सुबह उठ के करना है, ठीक है, 200 क्वेश्चन करने हैं कैसे भी करके, चलो कोई ना, पहले दिन नहीं होता है 100 हो गए, फिर दूसरे दिन 200, ऐसे करके करना है, डेली प्रैक्टिस करना है, कोई नहीं यार बहुत ज्यादा गलती हो गई कोई दिक्कत नहीं, ये कौन देख रहा है, किसी को नहीं बताना है, छुपा के रखना है, जो गलत हो गया लेकिन उसको चेक करना है, ठीक है, मतलब मेन फोकस अपने एमसीक्यू पे करना है, लगभग डेली आदत बिल्कुल, लगानी पड़ेगी। डेली आदत लगानी पड़ी, जो एग्जाम के पास में बोलो, जो एग्जाम के बहुत करीब है उसको, और एग्जाम से दूर हो तो अपने नॉलेज पे फोकस करो यार, बहुत सारे चीजें लॉजिकली सॉल्व होते हैं, है कि नहीं, ठीक जैसे फर्स्ट सेकेंड ईयर के जो है जूनियर्स आए हैं तो इनको मेनली अपने नॉलेज के ऊपर फोकस करना है, जहां से नॉलेज बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल ले पाए। बिल्कुल, शायद तुम लोग शायद नेक्स्ट दोगे, ठीक है कि नहीं, आप बिल्कुल आईएमजी बिल्कुल, के, आईएमजी, ठीक, तो यार वो भी अच्छे पढ़ते हैं, आप भी अच्छे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, कैसे पढ़ोगे आप, ठीक है, नॉलेज से, है कि नहीं, आपको अपना नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, कैसे करोगे आप, डेली पढ़ोगे, ठीक है, रेफरेंस लोगे, रिव्यू करोगे, बुक से पढ़ोगे, है कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल या बिल्कुल फिर अगर आपने कोई प्लेटफॉर्म चूज कर रखा है उसी प्लेटफॉर्म को फॉलो करना है, किसी की बात नहीं सुननी, अगर तुमने ले लिया कि हाँ मुझे ये प्लेटफॉर्म चूज करना है तो उसी प्लेटफॉर्म को एंड तक करना है, ये नहीं कि बीच में किसी ने बोल दिया कि भैया ये अच्छा नहीं, इससे कर लेना, यही है जो होगा देखा जाएगा, इसी में ही है, ठीक, ऐसा रखना है, बिल्कुल अगर किसी ने गलती से भी ले लिया है तो उसको चेंज नहीं करना, नहीं वही चेंज पढ़, करना। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत ही गलत, ये जो होता है ना बहुत ही गलत यार, आपने सब ले लिया, सब कुछ ले लिया आपने,
लेकिन उससे भी नहीं पढ़ रहे, इससे भी पढ़ रहे, उससे भी पढ़ रहे। यार एग्जाम टाइम में ना आपके अगर आगे क्वेश्चन होते हैं ना, आप रिकॉल करते हो कि हाँ इसका आंसर क्या होना चाहिए था, उसमें क्या पढ़ा था मैंने, तो वो पार्टिकुलर पेज खुल जाएगा आपके दिमाग में, उसको बोलते हैं विजुअल मेमोरी। ओके ओके। अच्छा सर, आप क्या प्रिफरेंस करेंगे, अकेले पढ़ना या फिर अब हॉस्टल में बच्चे होते हैं, दो तीन लोग साथ में होते हैं, वैसे पढ़ना? कौन सी पढ़ाई सबसे बेस्ट होती है, ग्रुप वाली या फिर अकेले एक फ्लैट लेके एक रूम में चुपचाप पढ़ना सबका सही? अलग अलग होता है यार। मैंने देखे हैं मेरे दोस्त जो हैं वो ग्रुप में भी पढ़ाई करते हैं, ठीक है। मैंने मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो ग्रुप में पढ़ के पास हो गए, 192, 198, 200 करके बोला है, ठीक है, ग्रुप में पढ़ा है, उन सब के एक ही तरह के मार्क्स है, ठीक है ओ, तो ठीक आप है। ग्रुप में ओश में जिस टाइम थे आप, तो उस टाइम आपने कैसे पढ़ाई करी थी, अकेले पढ़ा था या फिर ग्रुप में मैं ही? हमेशा से अकेले पढ़ता हूँ यार, ठीक है। मैं बहुत अच्छा, स्लो लर्नर हूँ, बहुत ही देर से मैं सीखता हूँ कोई चीज, गलतियां करता हूँ, बार बार गलतियां करता हूँ, ठीक है। जो गलती होती है उसे लिखता हूँ बार बार, ठीक है। तो गलतियां करो, मैं कहता हूँ गलतियां जितना हो सके बहुत बहुत ज्यादा करो, क्योंकि गलतियों से सीखोगे आप। लेकिन ये नहीं कि गलती होगी चलो छोड़ो नहीं करना, कल से बंद बुक बंद फेंक दिया सबने, ऐसा नहीं होता दूसरे सब्जेक्ट है। पकड़ लिए जब हाँ गलती ऐसा नहीं होता। हो रही। जो गलती हुआ क्यों हुआ आपको लिखना है, पर्टिकुलर क्यों हुआ, आपने क्यों गलती किया, या तो नॉलेज में दिक्कत होगी या फिर आपने इन्फॉर्मेशन अप्लाई नहीं कर पाए, या तो कभी कभार हम क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते, एक्सेप्ट छूट जाती है, कभी कभार नॉट नहीं पढ़ते हम, है कि नहीं, समझने में बिल्कुल, क्वेश्चन दिक्कत होती है कई कि बार नहीं। ऐसा मेरे साथ भी होता है कि एक वीडियो देखा, 2 घंटे की वीडियो है, आखिरी के 15 मिनट काफी बढ़िया चीज चल रही होती है, लेकिन उस टाइम दिमाग फोकस नहीं कर पाता क्योंकि 2 घंटे की वीडियो 2.5 घंटे देख चुका हूँ, आधा घंटा बचा है, तो फिर वो हाँ वीडियो मैं 2x में चला देता हूँ कि खत्म हो जाए वीडियो, बस कि डिमोटिवेशन ना ऐसा हो। नहीं होता। देखो जब आपको लग रहा है कि हाँ मेरा ब्रेन शट डाउन हो चुका है इस वक्त, उसके आगे मुझे कुछ नहीं रिकॉल हो रहा है, 5 मिनट का ब्रेक लो, 5 मिनट का, ठीक है। थोड़ा सा हिल डुल लो, घूमो, मतलब रूम में इधर उधर घूमो, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करो, ठीक है। आप खड़ा होकर रिकॉल करते हो ना तो फिर से आ जाती है जंप, चलो फिर से पढ़ते हैं, ठीक है। ये नहीं कि बैठे रहना उसको तो खत्म करके फिर उठना, नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक एक कॉन्सेप्ट तो पकड़ना है और क्लियर करके ही छोड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल, टाइम जितना चाहे उतना लो। मैं यार खुद स्लो, बहुत ही स्लो हूँ, ठीक है। मेरे को 5 साल लग गए सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करने में, सोचो, ठीक है। तो यार आप लोग तो बहुत ही ब्रिलियंट हो, तो मैं कहता हूँ आप लोग बहुत जल्दी हो जाएगी। अच्छा, मान लीजिए एक मेडिसिन सबसे वास्ट सब्जेक्ट है, तो आपको मेडिसिन करने में कितने महीने लग गए? मेडिसिन को मैंने पढ़ना शुरू किया था 3rd ईयर में, ठीक है। मैंने दाविडसन पढ़ी, ठीक है, दाविडसन खत्म हुई मेरी 4th ईयर की एंड में, मतलब 2 साल लग गए मुझे दाविडसन कंप्लीट करने में, पढ़ने में, ठीक है। धीरे 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 आराम आराम से, आराम आराम से, ठीक है। और अच्छे से लगभग 6th ईयर तक हो गई थी मैं, हाँ मेडिसिन मतलब हो गई थी आपने सिक्स। प्लेटफॉर्म के शॉर्ट नोट्स के अलावा बुक्स भी सारी पढ़ी हैं, स्टैंडर्ड बुक्स? हाँ पहले यार, पहले हमारे पास 4th ईयर तक मुझे नहीं पता था ना कोई प्लेटफॉर्म भी है, सब तो यही कहते थे गौतम नगर जाना है, दिल्ली में वहीं बैठना है, ऑफलाइन कोचिंग करना है। मैंने कभी कोचिंग नहीं किया इस बहाने, क्योंकि मैंने प्लेटफॉर्म ले लिया था इसीलिए। ग्रांड और सर, आपने जीटीज वगैरह भी देते हैं, ग्रैंड टेस्ट, जब आपके एग्जाम टेस्ट, नजदीक आ गए? ग्रांड टेस्ट बहुत देता हूँ मैं, बहुत बहुत ज्यादा देता हूँ। ग्रांड टेस्ट तो होता ही है यार देने के लिए, ठीक है। वो कोई कोई नहीं देता है, क्योंकि यार किसी खराब नंबर आ गए, चलो यार ये क्या है, ये थोड़ी ना, वन पीस ऑफ पेपर डजंट डिसाइड माई फ्यूचर करके बहुत सारे कोर्स आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, गलती होता है, वो सेट ही ऐसे करते हैं पेपर की, आप गलती करो लेकिन उससे कुछ सीखो, उसको नोट करो। तो FMG से पहले मैंने 17 ग्रांड टेस्ट दिए, 17, ठीक है। एसएमजी से लास्ट, पहले हाँ तो लास्ट ग्रांड टेस्ट में आए थे मेरे 238 और एग्जाम में आए थे 239, और कितना लिंक है कि नहीं। और अभी जो 2 महीने थे यार मेरे पास पीजी के लिए, तो हाँ लगभग 2 महीने से कम ही थे, 2 दिन कम ही थे, और फेब्रुआरी में तो 28 दिन की है। मैंने सोचा 2 4 दिन और ज्यादा दे जाता तो मेरे को एक बार और रिवाइज हो जाता, चलो कोई नहीं, वो तो होना था, हो गया। कोई दिक्कत नहीं, अच्छा, उसमें दिया था मैंने। एमसीआई और नीट पीजी का लेवल आप किस ग्रेड पे डिसाइड करेंगे, मतलब 1 to 10 अगर लेवल दिया जाए एमसीआई और नीट पीजी का? अभी के पेपर देख के लगता है कि दोनों सेम ही है यार। जनवरी का पेपर देखो FMG का, और मार्च में पेपर देखो नीट पीजी का, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, ठीक। और ज्यादा अगर बोल,
क्योंकि नीट पीजी का पेपर इस बार पूरा पूरा ये था, ऑनलाइनर था, फैक्चुअल क्वेश्चन था, और ये वो सॉल्व कर सकता है जिसने लॉन्ग टर्म पढ़ी है, लेकिन जिसने नॉलेज बहुत दे, मतलब एक एक चीज एक एक चीज एक एक चीज पढ़ी है, ठीक है। अच्छा ये नहीं कि आपने तुरंत पढ़ ली कोई रैपिड रिविजन हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता, चुटकुले नहीं होते, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, काफी हैं ऐसे, मतलब फर्स्ट सेकेंड ईयर के हैं, तो उनका मेन मतलब माइंडसेट है कि हमको बुक्स नहीं पढ़ना है, स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, हमको प्रॉपरली जाना है कोई एक प्लेटफॉर्म पे और बस उसी के नोट्स पढ़ने हैं, उसी का सब करना है, तो ये सही है? बिल्कुल सही है, बहुत सही है, उसी का ही पढ़ो, एंड तक वही रखो, ठीक है। पीजी में भी आपका काम आएगा, आपका एफएमजी में भी काम आएगा, कोई नहीं, जो भी एग्जाम होगा यार, कोई भी एग्जाम हो, इंडिया में जो भी एग्जाम है, सारे के सारे जो जितने भी प्लेटफॉर्म है वो सही सेम चीज पढ़ाते हैं। बस फर्क ये है कि नोट की जो पिक्चर मेमोरी होती है और जो लाइंस होते हैं, लैंग्वेज होती है, वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं हर चीज, ठीक है। आपने एक चीज को कैसे याद किया, मैंने कैसे याद किया, दोनों में डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल नॉलेज तो सेम ही है ना। एट द एंड नॉलेज मैटर्स। और सर मिनिमम कितने रिविजन्स होने चाहिए कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का? कोई एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट का मैं बोलूं, मिनिमम 3, मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हो, ठीक है। तो ओ सेफ सेफ के लिए आप 3 कर लो, ठीक है, 3 डिवीजन इज एनफ कोई एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक। और अगर आप टॉपर होना चाहते हो, बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा मेहनत करना चाहते हो, मैं कहूँ 5, 5 इज एनफ, मिनिमम 5 रिवीजन के बाद ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक रैंक। बढ़िया सर, मतलब आपको कोई छू नहीं सकता, समझ लो आप। ओके सर, मतलब उस चीज को आप अप्लाई भी कर सकते हो, ऐसा ही पढ़ो कि एमसीक्यू भी सॉल्व करो, अच्छे से करो, है कि नहीं। नोट्स पढ़ो, रिवाइज करो और एमसीक्यू करो। एमसीक्यू, ये 3 चीज फंडा होना चाहिए बस कोई भी एग्जाम को क्लियर करने के, एमसीआई भी निकलेगा और नेट पीजी भी निकलेगा उसी नोट से, उसी रिवीजन से। उसी रिवीजन से, कोई चेंजेस नहीं, कुछ नहीं, चीजें वही है यार। एमसीआई में भी वही क्वेश्चन आते हैं, नीट पीजी में भी वही क्वेश्चन आते हैं, बस नीट पीजी में नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। बनाना वाला बोर्ड तो एक ही है ना, नेशनल बोर्ड एग्जामिनेशन, वही पेपर सेट करता है यार, दोनों का एग्जाम का पेपर एक ही होता है, बस एफएमजी में आपको 300 क्वेश्चन मिलते हैं और जिसमें आपको 150 ठीक करने होते हैं, और इसमें आपको 200 क्वेश्चन मिलते हैं नीट पीजी में, जिसमें से आपके नेगेटिव मार्किंग्स होते हैं, उसके हिसाब से आते हैं आपके रैंक। लास्ट थॉट्स क्या होंगे जो इन फ्यूचर अपने जूनियर्स को भी काम आए और अभी रिसेंटली जो एग्जाम देने वाले हैं सीनियर्स? मैं तो यही कहूंगा यार, हंगरी रहो नॉलेज के लिए जितना जाओ, ठीक है, हंगर, ठीक है, एक भूख होती है इंसान को, हर चीज की भूख होनी चाहिए, ठीक। अगर आपको नीट पीजी का भूख है, एम्स का भूख है, अगर किसी को भूख लग रहा है ना, तो खाना मिलेगा ही मिलेगा उसे, उसका, और वो अपना लाइन खुद ही खुद ढूंढ लेगा, उसको कुछ मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं, सिर्फ भूख होना चाहिए। आपकी भूख कितनी है, मतलब हंग्री, आप कितने हंग्री हो, ठीक है, ये मैटर करता है। अगर आप हंग्री हो तो यार अब कोई भी एग्जाम आपको रोक नहीं सकता, ठीक है। अगर आप हंग्री नहीं हो तो हंग्री बनो, है कि नहीं, खाना मत खाओ। ऐसा बात नहीं है, ऐसा नहीं है, हंग्री मतलब कैसे होते हैं यार, अपने कंफर्ट जोन से निकलो, ये नहीं कि टेबल चाहिए, टेबल मिलेगी मुझे, कुर्सी मिलेगी, एसी लगेगी, ठीक है, किताबें नोट्स खरीदेंगे तब पढ़ेंगे जाके, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जो है उसी में शुरुआत कर दो। हाँ बिल्कुल थैंक यू इंटरव्यू के लिए, क्योंकि आपको मैंने बिल्कुल, मैसेज करा था और आप शायद हॉस्पिटल में थे, काफी ट्रॉमा पेशेंट्स भी आए थे। हाँ कोई नहीं, कोई नहीं यार, होते रहता है, क्या करें, डॉक्टर की जिंदगी है यार, है कि नहीं, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इधर उधर।